धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने क्षेत्र की एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसके दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं। जब से ये आकांक्षी जिले घोषित हुए हैं, निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़ी है। उपायुक्त तो उप विकास आयुक्त का प्रखंडों में दौरा हो रहा है, जनता की समस्याएं उनके द्वारा सुनी जा रही हैं, पर इससे हमारे यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की पलायनवाद की है। प्रतिवर्ष करीब करीब दो से तीन लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई है और उसके खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री दूसरे कंपनियों के द्वारा खोली जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, पानी भी है, बिजली भी है, लेबर भी है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा एक एक्सल फैक्ट्री खोली जा सकती है या अन्य विभागों या मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि पलामू जैसे संसदीय क्षेत्र में जो अत्यंत पिछड़ा है, वहाँ पर किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले।